सो हेलो गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। सो गाइस ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं थोड़ा सा अलग एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो गाइस इस टाइप की एडिटिंग करने के लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर से एंड तक वॉच करते रहना, क्योंकि यार इसका हर एक स्टेप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में इसकी जो रीटचिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर से एंड तक वॉच करते रहना। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ना आपको अपनी एक फोटो क्लिक करा लेना कुछ इस टाइप से, सेम इसी पोज में आपको फोटो क्लिक करा लेना, देख लेना। एंड मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है, अगर आपके बैकग्राउंड रिमूव करते नहीं आता तो मुझे जरूर से आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद यार इस बारे बैकग्राउंड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फुल एच डी बैकग्राउंड एंड सारे स्टॉक लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके बाद इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सेल एप्लीकेशन में ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद ऐड फोटो पे आपको आना है गाइस। एंड ऐड फोटो में आने के बाद सिंपली से आपको अपने मॉडल की इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोग स्टेप जरूर से ध्यान से देखना है, एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना गाइस, ठीक है। तो आपको सिंपली से यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे पहले सेट कर लेना स्टेप से, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर इसे यहाँ पे रेस पे जाऊँगा एंड मेरे यहाँ पे हेयर जो थोड़े से गड़बड़ आ गए तो मैं उनको यहाँ पे रिमूव कर लूँगा, ठीक है। तो स्टेप से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गाइस। तो मैं आपको बहुत ही ईजी स्टेप में बताऊँगा, मतलब धीरे धीरे आपको वीडियो बताऊँगा, मतलब फास्ट नहीं करूँगा इस वीडियो को, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद गाइस क्या करना, मैं अगेन ऐड फोटो में जाने वाला हूँ एंड सिंपली से यहाँ पे कुछ पीएनजी को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो दो पीएनजी नाम को दोनों को एक साथ ही आपको यहाँ पे ऐड करना, मतलब दोनों को अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ये वाली जो पीएनजी ना व्हाइट वाली, तो इस व्हाइट वाली पीएनजी को लेना है आपको एंड छोटा करना है। इसके बाद क्या करना गाइस, ब्रांड टू स्क्रीन मल्टीप्लाई करना, सॉरी मल्टीप्लाई आपको करना है गाइस, ठीक है। एंड देन इसको बस आपको अपने यहाँ पे सेट कर देना पीछे कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड इसके बाद आ रहा गाइस आपको यहाँ पे दूसरी जो पीएनजी ना सेकंड वाली, इस पीएनजी को आपको लेना है एंड दोनों को बिल्कुल अटैच मर्ज करते हुए बिल्कुल सेट कर देना, ठीक है, ताकि देखने मतलब ये दोनों पीएनजी एक सी लगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। इसके बाद इरेजर वाले ऑप्शन पे इन दोनों जो दो मैंने एक्स्ट्रा ये रिमूव किया उन दोनों को आपको रिमूव कर लेना, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपली से डन पे क्लिक कर देना, ठीक है। डन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से अगेन ऐड फोटो पे आना। ऐड फोटो में आने के बाद गाइस इस पीएनजी को आपको ऐड कर लेना, ठीक है। तो इस पीएनजी को बनाने में बहुत मेहनत लगी, पहले तो इसको ढूंढा एंड फिर इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी। तो प्लीज सर इस वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो। एंड इसको बस आपको सेट करना, सेट हो जाने के बाद सॉरी इसकी ओपेसिटी कम करना है। एंड ओपेसिटी कम करने के बाद गाइस आपको क्या करना गाइस, इसकी हार्डनेस को आपको बढ़ा देनी है एंड बस इरेज कर देना कुछ इस टाइप से सिंपली से, ठीक है। एंड इरेज यहाँ से मैं कर लेता हूँ एंड इसका डन एंड इसकी ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद गाइस क्या करना, मैं यहाँ से अगेन यहाँ से डन करूंगा एंड डन करने के बाद यहाँ से ऐड फोटो पे वापस से जाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से ऐड फोटो पे आऊंगा एंड वापस इसी पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको क्या करना गाइस, हम लोग सिंपली जैसे मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ यहाँ पे ऐड बस करना आपको पहले, ठीक है। एंड ऐड करने के बाद गाइस मैं यहाँ से क्या करूँगा, इरेजर पे इन्वर्ट एंड देखना जहाँ जहाँ पे मैं कवर करके आपको बता रहा हूँ ना, इस स्टेप सबको यहाँ पे कवर कर लेना। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना है यहाँ पे। तो स्टेप सबको करोगे तो बहुत ही सही लगेगा एंड एंड पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से डन पे क्लिक। इसके बाद गाइस अगेन ऐड फोटो में जाना एंड एक ब्लरिंग वाली मैंने पीएनजी दी है जिसको आपको यहाँ पे सिंपली से ऐड करना है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल से यहाँ पे बड़ा करूंगा देन यार यहाँ पे ऐड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद गाइस सिंपली से इसको थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कर लेना है यहाँ पे। एंड इसके बाद गाइस मैं यहाँ से डन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो सारा वर्क हो चुका है, बाकी जो वर्क करेंगे वो करेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो सिंपली सबको करना क्या, गाइस ड्रॉ टूल पे जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस इस इमेज को आपको कर देना सेव एंड सेव हो जाने के बाद इस इमेज को ओपन करना गाइस आपको अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में, ठीक है। तो गाइस मैंने लाइट रूम में फोटो ओपन कर लिया गाइस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे आपको चलना नीचे लाइट वाले ऑप्शन पे। तो सबसे पहले गाइस आपको हाईलाइट कलर को कम करना है 30% के आसपास, शेडो वाले ऑप्शन को भी कम करना है एंड व्हाइट वाले ऑप्शन को भी आपको कम कर देना, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत अगर कंट्रास्ट को कम करना है तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद गाइस आना आपको कलर्स पे ऊपर मिक्स पे। तो सबसे पहले सब जो फर्स्ट वाला कलर है इसकी सेचुरेशन आपको कम करना है, फिर रेड वाले कलर पे आना है तो इसकी सेचुरेशन आपको वापस से कम करना है। एंड क्या करना गाइस यार यहाँ से ना आपको यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ 30% के आसपास एंड थोड़ा सा यहाँ पे क्यूब इसकी आपको कम कर देना, ठीक है। इसके बाद आना गाइस आपको ग्रीन वाले पे, तो इसकी यू को मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड इसके बाद इसकी जो सेचुरेशन है इसको भी आपको बढ़ा देना ताकि जो ग्रीन कलर वो थोड़ा सा डार्क हो सके, ठीक है। इसके बाद क्या करना गाइस आपको आना ब्लू वाले पे, तो इसकी जो सेचुरेशन है पूरी माइनस कर दूंगा एंड इस वाले ब्लू पे आऊंगा तो मैं इसकी भी सेचुरेशन माइनस कर दूंगा इस कुछ इस टाइप से, ठीक है। थोड़ी सी करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा एंड इसकी जो ल्यूमिनेंस है इसको मैं बढ़ाने वाला हूँ, ठीक। इसके बाद गाइस यहाँ से मैं कर दूंगा इसको डन। डन पे क्लिक करने के बाद गाइस टेम्परेचर को यहाँ पे 2% बढ़ा दूंगा, आप चाहते तो 4 भी बढ़ा सकते, तो मैं यहाँ पे 2% बढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
इसके बाद नीचे डिटेल वाले ऑप्शन पे ऊपर स्लिप टोन पे, तो सबसे पहले गाइस शैडो वाले ऑप्शन को आपको ले जाना है यहां पे ग्रीन एंड ब्लू के बीचों बीच, एंड इसको जो सैचुरेशन वाला जो पॉइंट रहेगा गाइस इसको आपको ले जाना है गाइस 10 के ऊपर, देख सकते हैं 11 12 30 है 40 के आसपास ले जाना आपको, एंड डन पे क्लिक करना गाइस। इसके बाद गाइस आपको करना क्या है, यहां पे पिगमेंट वाले ऑप्शन को गाइस कम कर देना, ठीक है इस टाइप से। एंड इसके बाद गाइस क्या करना, क्लैरिटी एंड गाइस टेक्सचर को आपको बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो। इसके बाद डिटेल वाले ऑप्शन में तो गाइस आपने इसको नॉइस को एंड गाइस सर यहां से कलर नॉइस सिलेक्शन को आपको बढ़ा देना है। तो इससे यार गाइस आपकी जो फोटो रहेगी वो स्मूथ हो जाएगी एंड आपकी जो फोटो होगी वो रेडी हो जाएगी। सो गाइस अब मैं बता दी तो बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर एंड ये आफ्टर, तो गाइस कितने सही तरीके से यार हमारी एडिटिंग हो चुकी है। सो गाइस आई होप आपको ये कांसेप्ट जरूर से पसंद आएगा।